हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अ नॉर्मल वीडियो व्हिच इज़ बेस्ड ऑन सामान भट्टा वर्सेस बंगाली भट्टा। तो इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि एक सामान्य भट्टा में कैसे ईंटा बनाया गया है और एक देसी भट्टा और बंगाली भट्टा में कैसे ईंटा बनाया गया है। तो इसमें आप लोगों ने देखा है कि इसमें अच्छे से ईंटे की पथाई करके भट्टे के लिए ईंटे को बनाया जा रहा है। फिर ये देख लेते हैं आप लोग, बड़े से चट्टान जैसे ईंटे लगे हुए हैं। तो ये कैसे पकते हैं, इसमें आप लोगों को मांदे दिख रही होंगी सामने के साइड में। तो इन मांदों से इसमें जो है मटेरियल भरा जाता है, कोयले को भरा जाता है। और जो ज़्यादा पक गए हैं, देखो ये सामने जो ईंटे लगे हैं ये कुछ ज़्यादा ही पक गए हैं, इनको ज़्यादा आँच लग गई है। तो जब इनको ज़्यादा आँच लगने की वजह से बहुत ज़्यादा पक जाती है। सामने जो छोटी सी दिख रही है बुग्गी टाइप की है, इसकी हेल्प से ईंटे को हम बाहर ले जाते हैं और बाहर बड़े बड़े चट्टा लगे होते हैं। ये देख लीजिए सामने, ऐसे इस सिस्टमेटिक वे में ईंटे को रखा जाता है। अगर इस सिस्टमेटिक वे में, इस सीरीज में ईंटे को नहीं रखा जाएगा तो ईंटे अच्छे से पक नहीं पाएंगे। देख लीजिए कितने अच्छे ही सीरीज में ईंटे को लगाया गया है और इसके अंदर ताकि अच्छे से गर्मी जा सके और ईंटे अच्छे से पक सकें। तो हर एक सेक्शन का ईंटा अलग किया जा रहा है। बैक साइड में भी मैंने देखा ईंटे को कैसे अलग किया जा रहा है और इसकी हेल्प से फिर ईंटे को बाहर निकाला जाता है और ईंटे को अच्छे से चट्टानों में लगा दिया जाता है। ये देख लीजिए चिमनी हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, भट्टे की चिमनी बहुत ऊपर तक बनाई जाती है और ये एक बुग्गी होती है। बुग्गी की हेल्प से करीब 150 से 200 ईंटे ढोए जा सकते हैं। और ये ट्रक है, ट्रक में कोयला भर के आता है और अन्य मटेरियल्स आते हैं जो कि भट्टे को अच्छे से ईंटे को पकाने के लिए हेल्प करते हैं। सामने हम लोग चल के देखेंगे, हमारे घर में गाँव लगा तो कुछ ईंटे हम यहाँ से लेकर गए हैं। तो ये हो गई बात, भट्टे वाला वीडियो था। अभी हम आप लोगों को एक देसी भट्टा जो होता है, मतलब बंगाली भट्टा, तो वो वहाँ पे लगा है। मैक्सिमम ईंटे इसमें के निकाले लगे हैं, लेकिन कुछ ईंटे भी हैं तो उसके पास ले चल के आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे उसके ईंटे होते हैं। यहाँ पे कुछ ईंटे रखे हुए हैं, ये इसके जो है पीले वाले ईंटे निकले हैं इसमें। इसमें जिसमें जब ईंटे लगाया जाता है तो उसमें कई टाइप के ईंटे निकलते हैं। ये वाला ज़्यादा पक गया है लेकिन सीधा ईंटा नहीं, क्योंकि बंगाली ईंटे में ऐसा होता है सिस्टम कि कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छे से उसे पकाई हो, कहीं ज़्यादा मसाला हो गया तो वो ज़्यादा पक गया। अब इसको पास से देखो, ये यहाँ से पूरा टूट गया, इसका शेप भी इतना सीधा नहीं है जितना सीधा ईंटा आपको ओरिजिनल वाले भट्टे का मिलेगा, उतना ये देसी वाले भट्टे का इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे देखो इन्होंने जो है पीला ईंटा यहाँ पे अलग किया, ये पीला वाला सेक्शन पूरा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो मसाला इसमें डाला जाता है, तो कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम हो गया, उस वजह से ईंटा भी ख़राब हो जाता है, उसका सेप सही नहीं आ पाता। ये देखिए ये कुछ हद तक ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा था, मान के चलो वहाँ से पूरा इसका ग्राउंड था। तो जो अच्छे वाले ईंटे थे वो लगभग निकाल लिए गए हैं, अब जो बिल्कुल बेकार वाले ईंटे बचे थे वही यहाँ पे बचे हुए हैं। ये पूरा सेक्शन था जो ईंटे निकाले गए, ये कुछ हद तक ठीक है। यहाँ पे ये ईंटा अच्छा निकला है भाई। एक क्लास में कई टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ कमज़ोर, कुछ ज़्यादा अच्छे, कुछ सामान्य बुद्धि वाले, कुछ विशिष्ट बुद्धि वाले। तो ये है कि इस टाइप का भट्टा भी होता है, इसमें भी कई टाइप के ईंटे निकलते हैं, उस वाले भट्टे में भी कई टाइप के ईंटे निकलते हैं। लेकिन अगर इसकी कॉस्ट देखी जाए तो लगभग मेरे हिसाब से 1.5 से 2.5 लाख, 3 लाख तक कॉस्ट आ सकती है अगर अच्छे से लगवाया जाए। तो ईंटा भी उससे ज़्यादा महंगा आप लोग इससे पा सकते हैं, अगर बढ़िया से अच्छा कारीगरी करके इसमें जो है किया जाए तो बहुत अच्छा ईंटा हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतना अच्छा ईंटा नहीं निकला है, यहाँ जो अच्छा था वो निकाल चुके हैं, अभी इसी टाइप का ईंटा बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये जो कुटाई की जाती है, कुटाई में यूज़ की जाती है, वो वाला ईंटा यहाँ पर बचा हुआ है। एक यहाँ पे गलती से कच्चा ईंटा रह गया है, जब ईंटा को पाथा जाता है तो ईंटा कच्चा ऐसे रहता है इस टाइप का।
लेकिन ये टूटा है, बारिश की वजह से ख़राब भी गया है, इसी को लगा के पकाया जाता है तब ये बनता है। जो इसमें पड़े हुए हैं ये एक हिसाब से ईंटें ही थे, लेकिन जो भीग गए तो वो ख़राब हो गया, तो उसको लोग पका नहीं पाए। इन मिट्टियों से ही ईंटा को जो है अच्छे से पाथाई की जाती है, बनाया जाता है मज़दूरों के माध्यम से अच्छे से, और उसको कहीं एकांत जगह पे उसको अच्छे से पकाया जाता है। कुछ महीनों में वो ईंटा अच्छे से पक जाता है, फिर ओपन कर लिया जाता है। तो इसी टाइप का एक बंगाली ईंटा भट्टा से निकाला जाता है।